नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज का वीडियो उन सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए विशेष रहने वाला है जो ITI गवर्नमेंट जॉब्स का इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी को पता होगा, स्पेशली राजस्थान के जो ITI बेरोजगार युवा हैं वो सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं और लगातार जो है काफी दिनों से ये मांग रखी जा रही है कि ITI वालों को नौकरी दो। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है, बहुत सारी जो है ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर राजस्थान सरकार ने घोषणाएं तो कर रखी है लेकिन वो सभी वैकेंसी अभी भी पेंडिंग चल रही है। उनका नोटिफिकेशन जो है सरकार की ओर से अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा 2019 के अपने फर्स्ट बजट में, पहले बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की थी अभी तक वो भी पूरी नहीं हो पाई है। वहां पे उन्होंने घोषणा की थी ऊर्जा विभाग में 9000 पदों पे वैकेंसी जारी करेंगे जिनमें से लगभग 6000 पद जो है टेक्निकल हेल्पर के होंगे। उसके बाद में काफी बार जो है सरकार ने कहा कि जलदाय विभाग में वैकेंसी जाएगी। उसके अलावा गाइस, अभी कुछ दिनों पहले ही आप सभी ने देखा होगा और बाकायदा अशोक गहलोत जी ने कहा था कि 1 लाख पदों पर वैकेंसी जारी करेंगे, उनमें से विद्युत उत्पादन के अंदर भी जो है वैकेंसीज थी। तो वो सभी वैकेंसीज यहाँ पे देखिए मैंने लिखी है और ये सभी वैकेंसीज अभी तक पेंडिंग चल रही है। तो ITI बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष मैसेज ये है कि यार लास्ट समय है, अब आप लोग जो है बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट होके जो है अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखो। आप ये जो मांग रख रहे हैं हम लोग, ये वाजिब है, बिल्कुल सही है, सटीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है राजस्थान सरकार ने इन सभी वैकेंसीज की घोषणा कर रखी है। इनमें देखिए यार, विद्युत उत्पादन में वैकेंसी है जो पेंडिंग है, जलदाय विभाग के अंदर तो आप सभी को पता है सरकार काफी बार कह चुकी है कि फाइल जो है वो पहुंच रही है, जल्दी वैकेंसी जारी होगी, बट अभी तक जो है इसकी वैकेंसी भी जो है जारी नहीं की गई है। रोडवेज डिपार्टमेंट में भी सेम ऐसा ही है। टेक्निकल हेल्पर का तो आप सभी को पता है कैसा जो है मजाक किया गया, एक तरीके से 6000 पदों की घोषणा करने के बाद केवल 1512 पदों पे वो वैकेंसी जारी की गई थी और अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि काफी सारे पद खाली होने के बावजूद जो है ITI स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी जारी नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे जो है इन सभी वैकेंसीज की मांग जो है आप लोग निरंतर सरकार के सामने रखते रहे। जो भी मीडियम हो, जो भी माध्यम हो, सोशल मीडिया या जिस भी वे में आप लोग जो है सरकार के समक्ष अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, वैसे आप लोग कोशिश करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, सरकार के सामने अपनी मांग रखें, सरकार को याद दिलाएं कि जो सरकार ने वादे किए थे, जो वादे किए हैं उनको सरकार निभाए और ITI युवाओं को जो है ITI वालों को नौकरी प्रदान करे। इन सभी डिपार्टमेंट में कनिष्ठ अनुदेशक वैकेंसी जो है ये भी पेंडिंग है और ऑलरेडी जो है इन सभी वैकेंसीज के बारे में जो है गवर्नमेंट ने कह रखा है कि सभी की वैकेंसी जारी करेंगे, बट एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें वैकेंसी जारी की जा रही हो। टेक्निकल हेल्पर का एक लॉलीपॉप दिया गया था 1512 पदों पर मात्र, और इसके अलावा एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। टेक्निकल हेल्पर के अलावा सोचने वाली बात है, एक भी ऐसा ITI स्टूडेंट्स के लिए डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें वैकेंसी जारी की गई हो। घोषणाएं सभी के लिए कर रखी है, जलदाय विभाग, रोडवेज, विद्युत उत्पादन, कनिष्ठ अनुदेशक, घोषणाएं सबकी हो रखी है लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वैकेंसीज का वो जारी नहीं किया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से ITI बेरोजगार युवाओं को जो है मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग जो है अभी सही समय है, लास्ट समय है, अगर इस समय चूक गए तो फिर पता नहीं कब ये वैकेंसीज आएगी। तो आप लोग जो है अपनी आवाज को सरकार के सामने रखें ताकि सरकार जो है अपनी मांग, अपने जो किए गए उनके वादे हैं उनको जो है पूरा करे, निभाए वो। तो गाइस, आई होप कि आप सभी जो है बिल्कुल एक्टिव होके जो है सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ को उठाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।